Welcome to all of you. Hi guys, I'm Ani Mehra. I welcome you to the Mayur Mogri channel. So we've already discussed about cyclones in the previous lesson and today we are discussing more about it. आपने देखा होगा कि अलग अलग cyclones के अलग अलग नाम होते हैं पूरे world में और जब भी कोई cyclone आता है तो उसका कोई particular name होता है. उसका नाम हमेशा अलग होता है और कहीं पे भी world में, चाहे वो typhoon हो या hurricane हो या cyclone हो, हर cyclone को अलग अलग नाम दिया जाता है. तो आज हम जानेंगे कि ये साइक्लोन्स को नाम कैसे दिए जाते हैं, व्हाट इज़ द वे ऑफ नेमिंग अ साइक्लोन, क्यों उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है. वी विल नो द डिटेल्स अबाउट इट टुडे. सो गाइस, आज हम बात करेंगे इसके बारे में. लेट्स गो ऑन नेक्स्ट. आई एम वानी मेहरा, फाउंडर ऑफ वानी अकेडमी, एजुकेटर ऑन वानी अकेडमी. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पे. आज मैं बात करने वाली हूँ अन अकेडमी प्लस मॉडल के बारे में. हम एंड में बात करेंगे, बट इससे पहले हम बात करेंगे साइक्लोन्स का नाम कैसे दिया जाता है. बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसीजर है एक लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम की इन एन ओशन बेसिन्स बाय द ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बेसिन्स एट इट्स एनुअल और बाय एनुअल मीटिंग. देर आर फाइव ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजन बॉडीज, दैट इज एस्कैप, WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, टाइफून कमिटी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, RAI ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी, RA4 यूरिकेन कमिटी, RA5 ट्रॉपिकल साइक्लोन कमिटी. एंड फॉर इंस्टेंस, यूरिकेन कमिटी डिटर्मिन्स अ प्री डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ यूरिकेन नेम्स फॉर 6 years सेपरेटली एट इट्स एनुअल सेशन. सो द प्री डेजिग्नेटेड लिस्ट ऑफ यूरिकेन नेम्स इज प्रपोज बाई इट्स मेंबर्स दैट इंक्लूड नेशनल मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज इन द नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका एंड द कैरेबियन. नेमिंग प्रोसीजर्स इन अदर रीजन आर ऑलमोस्ट द सेम एज इन द कैरेबियन. जैसे कैरेबियन एरिया के अंदर नेमिंग प्रोसीजर है, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है. इन जनरल ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द रूल्स एट अ रीजनल लेवल. एक रीजनल लेवल पर उनको नाम दिया जाता है. WMO पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एट इट्स 27th सेशन हेल्ड इन 2000 इन मस्काट, सल्तनेट ऑफ ओमान, एग्रीड इन प्रिंसिपल टू असाइन नेम्स टू द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इन द बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी. इंडिया के अंदर दो वाटर बॉडीज, एक्चुअली इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड्स, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड इंडियन ओशन. तो उसको जो नाम दिया जाता है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के हिसाब से दिया जाता है. After long deliberations among the member countries, the naming of the tropical cyclones over North Indian Ocean commenced from September 2004. 8 countries hai: India, Pakistan, Bangladesh, Maldives, Myanmar, Oman, Sri Lanka and Thailand, they participated in the panel and came up with a list of 64 names. इन 8 कंट्रीज ने 64 नाम दिए थे. कहीं पे भी ह्यूरिकेन साइक्लोन आता ट्रॉपिकल रीजन्स में तो उस ट्रॉपिकल साइक्लोन को या ह्यूरिकेन को या टाइफून को वो नाम दिया जाएगा. इस हिसाब से जो पैनल मेंबर थे उन्होंने अलग अलग लिस्ट जो थी अल्फाबेटिकली बनाई कंट्री वाइज एंड द नेम्स विल बी यूज सिक्वेंशली कॉलम वाइज. तो एक एक करके कॉलम वाइज वो नाम यूज़ किए जाएंगे. ये चीज़ जो थी फाइनल की गई. For instance, the first name will start from the first row of column 1 and continue sequentially to the last row in the column 8. For example, Onil, Hibru, Pyar, Baz and so on. अब मैं आपको टेबल दिखाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. In the event of a tropical cyclone or storm, अगर कभी भी tropical cyclone या कभी भी storm exist करता है, आता है, तो जो रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर है जैसे न्यू दिल्ली में, वो करते सिलेक्ट एक नाम लिस्ट में से. जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने ऊपर से नीचे जो लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 3 है, लिस्ट 4 है, लिस्ट 5, लिस्ट 6, लिस्ट 7, लिस्ट 8, अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूटर्स है इसमें. 64 नाम है टोटल. बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड. सोचिए, पहला साइक्लोन आया, उसका नाम था ओनिल. उसके बाद अगर नेक्स्ट साइक्लोन आएगा तो उसका नाम रखा जाएगा अग्नि. तीसरे साइक्लोन का नाम रखा गया हिब्रू. चौथे का रखा गया प्यार. पांचवे का बाज, फानुस, माला, मुग्धा. फिर उसके बाद लिस्ट 2 पे गए. जब साइक्लोन नेक्स्ट टाइम कहीं आएगा, अग्नि नाम होगा उसका, आकाश होगा, गोनू, यमिन, सिदर, नरगिस, रश्मि, खैमुख. देखिए, ये जो नाम होते हैं दे आर नॉट पर्टिकुलरली कि उन्होंने किस बेसिस पे रखे, बट ये जस्ट सजेस्टेड नेम्स है साइक्लोन्स के.
जो अलग अलग कंट्रीज ने दिए, तो हमें इस लिस्ट से उठा के उस साइक्लोन को नाम देना है। जैसे इंडिया में उड़ीसा कोस्ट पे या बे ऑफ बंगाल रीजन या अरेबियन सी के रीजन में कभी भी साइक्लोन आता है तो आपने देखा होगा बहुत ही सिलेक्टिव नेम होगा उसका। जैसे हम लिस्ट 3 पे गए, निशा बिजली एला फ्यान वॉर्ड लैला बंधु फेट, ये अलग अलग नाम है। लिस्ट 4 पे हम गए गिरी जल केला थाने मुरजान नीलाम व्यारू फेलिन, ये शायद आपने नहीं सुने होंगे, आपको आज तक इन नामों का नहीं पता होगा, बट ये वाले नाम यूज़ हो गए हैं, हो चुके हैं। इनफैक्ट ये नाम सारे यूज़ हो चुके हैं, लेट मी टेल यू। लिस्ट 5 के अंदर हेलन लेहर मदी नानोक हुडहुड, हुडहुड के बारे में आप सबने सुना होगा, बहुत ही रीसेंट साइक्लोन था वो हुडहुड था। देन नीलोफार अशुभा कोमिन, उसके बाद छपाला मेघ रोनू क्यान नाडा वर्धा मारुथा मोरा, उसके बाद ओखी सागर मेकुनू दाए लुबान तितली, तितली भी अभी रिसेंटली आया था गाजा फिथाई। फिर आपने फनी के बारे में भी सुना होगा, साइक्लोन फनी, फिर वायु हिका फिर क्यार फिर माहा फिर बुलबुल, बुलबुल के बारे में भी आपने रिसेंटली सुना होगा। तो ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन्स के नाम है, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन है, जो इंडियन ओशन हमारा यू नो विच टचेज द बाउंड्रीज ऑफ श्रीलंका, उस साइड पे जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन का हिस्सा है, ये सारे अगर उस एरिया में लाइक बे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी के हिस्से में कभी भी साइक्लोन इरप्ट होगा तो उनका नाम इस लिस्ट में से लिया जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही फेमिलियर नेम्स है। आपको अगर इस लिस्ट ऑफ नेम्स का पता है तो आपको ये मेनली पता होना चाहिए, जो मुझे लगता है एग्जाम में पूछा जाएगा कि टोटल कितने नाम है, तो 64 नाम है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कौन सी कंट्रीज ने कंट्रीब्यूट किया है, तो आप बताएंगे बांग्लादेश है। देखिए बड़ी सीधी सी बात है, इंडिया के नेबर्स कौन से हैं, बांग्लादेश है, ठीक है, मालदीव वाटर नेबर है हमारा, म्यांमार नेबर है हमारा, फिर पाकिस्तान हमारा नेबर है, श्रीलंका थाईलैंड एंड ओमान है। यहाँ याद रखने वाली बात यह है कि नेपाल ने कोई नाम नहीं दिया। दूसरी बात याद रखने वाली ये है कि हमारे यहाँ ओमान ने नाम दिया है और थाईलैंड ने और म्यांमार ने भी नाम दिया है, बट यहाँ नेपाल ने कोई नाम नहीं दिया, भूटान ने कोई नाम नहीं दिया, म्यांमार ने नाम दिया है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात क्वेश्चन ये आ सकता है कि कौन से एरिया के अंदर ये नाम दिए जाते हैं, तो नॉर्दर्न इंडियन ओशन साइक्लोन्स के ये नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया में कौन से हिस्सों में दिए जा सकते हैं, तो आप इसके अंदर बोल सकते हो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी एंड नॉर्दर्न इंडियन ओशन। फिर चौथा क्वेश्चन आ सकता है कि रीसेंट कोई साइक्लोन है उसके बारे में बताएं, तो तितली बुलबुल ये सारे साइक्लोन्स के आपने नाम सुने होंगे, आपको इन्हें बताना है। तो बेसिकली इस लिस्ट में से नाम चूज करके साइक्लोन को नाम दिया जाता है। ठीक है, देखिए इफ़ अ सिटीजन वॉन्ट्स टू सजेस्ट अ नेम, जैसे आपको कोई नाम सजेस्ट करना है, आप सबमिट कर सकते हो नेम टू द डायरेक्टर जनरल ऑफ मेट्रोलॉजिकल IMD फॉर कंसिड्रेशन, बट द वेदर एजेंसी हैज स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आपको बाई चांस लगता है कि आपको कोई नाम सजेस्ट करना है कि हाँ एक साइक्लोन्स की लिस्ट में एक नाम हमारा भी डाल दिया जाए, तो वो एक सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू जाएगा। अ नेम फॉर इंस्टेंस शुड बी शॉर्ट, पहली बात बहुत छोटा नाम होना चाहिए, दूसरी बात जल्दी से समझ आ जाए, रेडिली अंडरस्टूड व्हेन ब्रॉडकास्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कोई नाम रख दिया लाइक बहुत डिफिकल्ट नाम, जैसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल आपने यू कैन से एनी डिफिकल्ट नेम यू हैव केप्ट इट, ठीक है, जैसे कुछ भी आपने चेकोस्लोवाकिया जैसा कोई नाम है, ठीक है, जो लोग प्रोनाउंस ही ना कर पाए, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो साइक्लोन का नाम नहीं रखेंगे, पहली बात क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड है, दूसरी बात डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस है, जब लोगों को उसका मतलब नहीं समझ आएगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, उनको समझाना। सो नेम मस्ट ऑल्सो बी न्यूट्रल, नाम बहुत न्यूट्रल होना चाहिए, नॉट कल्चरली सेंसिटिव, नॉट कन्वे सम अनइंटेंडेड एंड पोटेंशियली इन्फ्लेमेटरी मीनिंग। ऐसा नहीं है कि वो लोगों की आइडेंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या जैसे आपने नाम रख दिया डोगरी, बोडो डोगरी, ये तो लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेज के ऊपर टारगेट करके आप साइक्लोन का नाम नहीं रख सकते हो। या जैसे आपने नाम रख दिया फॉर एग्जाम्पल गारो, गारो खासी जयंतिया इंडिया के ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, या मधेसी आपने नाम रख दिया, मधेसी नेपाल में ग्रुप है ट्राइबल, तो आप ऐसे नाम नहीं रख सकते हो जो किसी की कल्चरल आइडेंटिटी, किसी ग्रुप का नाम, किसी लैंग्वेज का नाम या कुछ भी हो, तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू नेम। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे नाम रखे रश्मि, ठीक है, इन्होंने माला रश्मि,
ठीक है, और ऐसे नाम रखे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये तो ह्यूमंस के नाम है, डेफिनेटली ह्यूमंस के नाम है, बट एट द सेम टाइम अब जैसे श्रीलंका ने साइक्लोन का नाम रखा है रश्मि, बट अगर मैं अभी बात करूँ प्रेजेंट सिचुएशन में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ इस टाइम पे, इसको ध्यान से सुनिएगा। आज की सिचुएशन में रश्मि नाम अगर आप रेकमेंड करते साइक्लोन्स की लिस्ट में, ये तो लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, तो वो लिस्ट में नाम अप्रूव नहीं होता। उसका रीज़न मैं बताती हूँ कि जो इंडियन रोबोट बनाया गया है, ह्यूमनॉइड रोबोट है, उसका नाम रश्मि है। तो अगर आज आप रश्मि नाम सजेस्ट करते तो इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर देम टू यू नो टेक दिस, बिकॉज रश्मि इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफ इंडिया, और अगर ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफ इंडिया है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उस नाम को वो करना। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम आज नाम सजेस्ट कर दें सोफिया, सोफिया इज़ अ ह्यूमनॉइड रोबोट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड ऑल्सो द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट सिटीजन ऑफ सऊदी अरेबिया, ये नाम भी साइक्लोन लिस्ट के अंदर दर्ज नहीं हो सकता। रीज़न ये है कि वो किसी कंट्री में ह्यूमनॉइड रोबोट है, और दूसरी बात वहाँ के किसी सिटीजन का जो ह्यूमनॉइड रोबोट है स्पेशली सिटीजन है, तो इसीलिए ये नाम भी एंटर नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो स्टॉर्म इन द इंडियन ओशन कॉजेज सो मच डेथ एंड डिस्ट्रक्शन दैट इट्स नेम इज़ कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट एंड हेंस इट इज़ नॉट यूज रिपीटेडली अनलाइक दोज इन द अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक लिस्ट विच आर री यूज एवरी फ्यू ईयर्स। तो वहाँ पे जो अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक लिस्ट है उसके जो नाम है बार बार री यूज होते हैं। इंडिया के अंदर स्टॉर्म्स इतने ज़्यादा सिवियर होते हैं कि वो कहते हैं कि ये नाम हम एक ही बार यूज़ करेंगे, क्योंकि एक तरह का स्टॉर्म जिस तरह की डिस्ट्रक्शन लेकर आता है दैट इज़ जस्ट वन टाइम डिस्ट्रक्शन, तो वो वाला स्टॉर्म का जो नाम है दे कीप इट ओनली वंस, और उसके बाद उस नाम को रिपीट नहीं किया जाता। अब दूसरी बात ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ नेमिंग अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या एडवांटेजेस है। पहली बात, द प्रैक्टिस ऑफ नेमिंग अ स्टॉर्म और ट्रॉपिकल साइक्लोन वुड हेल्प आइडेंटिफाई ईच इंडिविजुअल ट्रॉपिकल साइक्लोन। The purpose of the move was also to make it easier for people to easily understand and remember the tropical cyclone or hurricane in a region, thus to facilitate disaster risk awareness, preparedness, management and reduction. It does not confuse the public when there is more than one tropical cyclone in the same area. तो लोगों को किसी भी तरह से confusion नहीं होगी। For example, ओडिशा के अंदर नॉर्दर्न कोस्ट के अंदर एक साइक्लोन आया है और सर्दर्न कोस्ट के अंदर एक साइक्लोन आया है, दोनों साइक्लोन एक दूसरे से अलग है। तो अगर हम साइक्लोन को नाम देंगे तो नॉर्दर्न कोस्ट के साइक्लोन का नाम अगर तितली है और सर्दर्न कोस्ट का नाम अगर हुडुड है, तो इससे लोगों को डिफरेंशिएट करने में समझ आ जाएगा कि ठीक है, नॉर्थ नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो साइक्लोन है वो अलग है और सर्दर्न पार्ट के अंदर के साइक्लोन का नाम अलग है। मैनी अग्री दैट अपेंडिंग नेम्स टू स्टॉर्म मेक्स इट ईजियर फॉर द मीडिया टू रिपोर्ट ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। एब्सोल्युटली, मीडिया रिपोर्ट अच्छे से कर पाती है और लोगों को वार्निंग और अच्छे से दे पाएगी और कम्युनिटी में प्रिपेयर्डनेस और अवेयरनेस अच्छे से हो पाएगी अगर उन्हें नाम पता होगा। इट्स ईजियर एंड लेस कन्फ्यूजिंग टू से साइक्लोन तितली देन रिमेंबर द स्टॉर्म नंबर और इट्स लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर मैं बोलूँ 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आया है, तो ऐसे तो आपको किसी को पता नहीं होगा, हर किसी ने ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं या हर कोई यूपीएससी की तैयारी तो कर नहीं रहा कि उसको पता हो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ कौन सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैच कर रहा है। नहीं, दैट इज़ वाई एक नाम देना इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड एडवांटेजेज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंजिंग डिटेल्ड स्टॉर्म इन्फॉर्मेशन बिटवीन हंड्रेड ऑफ वाइडली स्कैटर्ड स्टेशन कोस्टल बेस एंड शिप्स एट सी। द वार्निंग ऑफ द साइक्लोन कैन रीच अ मच वाइडर ऑडियंस इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो गाइज, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ आप लोगों को। मैंने अभी तक आपको कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है मयूर मोगरे चैनल पर, तो मैं आज आपको पहली बार एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रही हूँ। इसके आंसर्स मैं चाहती हूँ, चाहे छोटे में लिखो, एक पैराग्राफ लिख के भेजो, सिर्फ एक स्ट्रक्चर बना के लिखो, मुझे नहीं पता, बट आप मुझे मेरे टेलीग्राम ग्रुप वन अकेडमी के ऊपर इसके आंसर्स भेजोगे और मैं चेक करके आपको मार्क्स दूंगी। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब। वाई इज इट नेसेसरी टू नेम अ ट्रॉपिकल साइक्लोन द वे दे आर नेम्ड अराउंड द वर्ल्ड। क्यों ज़रूरी है ट्रॉपिकल साइक्लोन को नाम देना और इस तरीके से नाम देना जैसे पूरी दुनिया में दिया जा रहा है। डिस्कस, आपको मैं अप्रोच बता देती हूँ इस आंसर की। तो आपको इंट्रोड्यूस करना है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, फिर आपको इलेबोरेट करना है प्रोसीजर टू नेम देम जो मैंने आपको आज की क्लास में सब समझाया है,
फिर आपको डिस्कस करना है व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नेम अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, और फिर आपको इसको कंक्लूड करना है कि मतलब इससे क्या होगा, नहीं होगा, या फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज. ठीक है, ये है आज का होमवर्क आपका. दिस इज़ द फर्स्ट होमवर्क गिवन बाय मी वानी मेहरा ऑन मयूर मोगरे चैनल फॉर एवरीवन. इसी के साथ मैं बताना चाहूँगी, अगर आपको मेरी क्लासेस इंटरेस्टिंग लग रही है, दीज आर जस्ट शॉर्ट लेसन्स, 15-15 मिनट का शॉर्ट लेसन है. आप अभी मुझे देख नहीं पा रहे हैं, आप मुझे सिर्फ सुन रहे हैं. अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी प्लस पे मल्टीपल कोर्सेज है, आप वहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी के अंदर, और आप मेरे कोर्सेज देख पाएंगे, मुझे लाइव देख पाएंगे, वहाँ मुझसे लाइव इंटरेक्शन कर पाएंगे. और मैं बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, UPSC के क्या सब सब्जेक्ट्स, आपके सब एग्ज़ाम में जो GS आते हैं मैं सब पढ़ाती हूँ. तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, उस सब्सक्रिप्शन से आप मेरे अलावा बाकी एजुकेटर्स के कोर्सेज भी देख पाएंगे, मयूर मोगरे के भी, उनके भी देख पाएंगे, आप और एजुकेटर्स के देख पाएंगे. उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा अनअकैडमी प्लस पे, और आपको मेरा रेफरल कोड यूज़ करने पे वानी मेहरा मेरा नाम, आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन मॉडल को खोलेंगे, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, जब आप गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे तो आपको कैटेगरी पूछी जाएगी कि कौन से एग्ज़ाम में आपको तैयारी करनी है. अगर आपको UPSC में करनी है, सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना है, तो आप उसका मॉडल सेलेक्ट करके 1 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल जितना भी आप कर सकते हो. 2 साल का इसलिए क्योंकि जो लोग 2021 में अटैम्प्ट देने का सोच रहे हैं वो तैयारी अभी से स्टार्ट करें, और आप लोग अगर अभी से स्टार्ट करेंगे तो हम आपको फुल फ्लेज प्रिपेयर करेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, और ट्रस्ट मी गाइज, आपका प्रिलिम्स मेंस नहीं छूटेगा. तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद जो भी आप मॉडल सेलेक्ट करें, आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए, वहाँ पर रेफरल कोड पूछा जाएगा वानी मेहरा, इसे अप्लाई करने पे आपको डिस्काउंट मिलेगा 10%. तो इससे क्या होगा, आपको एक तो डिस्काउंटेड रेट पे यू कैन रजिस्टर ऑन अनअकैडमी प्लस, और उसके अलावा जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आप लाइव क्लासेस देख पाएंगे, और जैसे हमारे कुछ कोर्सेज ख़त्म हो चुके हैं तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का फुल फ्लेज कोर्स अनअकैडमी प्लस पे मैंने पढ़ाया है, एंड आई एम स्टार्टिंग न्यू क्लासेस इन जनवरी, जहाँ मैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी सब पढ़ाने वाली हूँ बहुत डिटेल में इन अ लाइव क्लास. तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए, और अनअकैडमी प्लस पे मुझसे जुड़िए, और मयूर मोगरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ बेल आइकन को हिट कीजिए. थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ गिव मी रिव्यूज़, गिव मी योर मोर लाइक्स, एंड शेयर द वीडियो टू द मैक्सिमम. थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.